पर्वतसर मंत्री यूनुस खान ने सीएम की गौरव यात्रा को लेकर ली बैठक। नागौर जिले के पर्वतसर में परिवहन मंत्री यूनुस खान पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने विधायक मानसिंह किंसरिया व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। सीएम राजे की गौरव यात्रा को लेकर बैठक में चर्चा की गई। मंत्री खान ने रिमझिम बारिश के दौरान सीएम राजे की सभा स्थल का जायजा लिया। पत्रकारों से रूबरू होते मंत्री यूनुस खान ने बताया कि सीएम राजे की 27 सितंबर को गौरव यात्रा नागौर आ रही है। सीएम हेलीकॉप्टर से मेड़ता पहुंचेंगी तथा मीराबाई के दर्शन के बाद मेड़ता में आम सभा करेगी, जिसके बाद देगाना के पुंद लौता में मूर्ति अनावरण कर जनसभा को संबोधित करेंगी। शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से पर्वतसर पहुंचेंगी। सीएम राजे पर्वतसर के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। इस मौके पर मंत्री खान ने कहा कि नागौर में अमित शाह की रैली हो गई है तथा सीएम राजे डीडवाना, जायल, लाडनू और मकराना पहले आ चुकी है। इस दौरान मंत्री ने सागवाडा में राहुल गांधी की सभा की चर्चा करते हुए कहा कि राहुल ने कहा, मैंने एक पेपर में पढ़ा कि सचिन पायलट मोटरसाइकिल चला रहे तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीछे बैठे हैं। जिस पर मंत्री ने व्यंग करते हुए कहा कि आप ही जानो, जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है उसको आगे बैठाओ या पीछे, लेकिन हेलमेट जरूर लगाओ। रोडवेज की हड़ताल के सवाल पर मंत्री खान ने कहा कि रोडवेज को हर माह 50,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, फिर भी हमने रोडवेज कर्मचारियों के वेतन तथा रिटायरमेंट का भुगतान भी कर दिया। जिनको पेंशन नहीं मिल रही वह भी लागू कर दी है। मैं तो मीडिया के माध्यम से रोडवेज कर्मचारियों को काम पर लौटने का आग्रह करता हूँ। अब कर्मचारी 7वें वेतन आयोग पर अड़े हुए हैं। अशोक जैन की कमेटी बैठाई हुई है, जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी आगे 7वां वेतन भी लागू कर देंगे। चाहे कितना भी घाटा हो रोडवेज को बंद नहीं होने देंगे। रोडवेज की हड़ताल पर मंत्री खान ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कहा, यह कांग्रेस वाले कर्मचारियों को भड़का रहे कि तुम हड़ताल करो, जनता परेशान होगी, चुनावी समय से मांगे मान ली जाएगी। पर्वतसर से जुगल किशोर शर्मा की रिपोर्ट। चाहे पिछली बार सीट पे उन्होंने बिठा दिया हो गहलोत जी, लेकिन वो हेलमेट लगा करके बैठे, मोटरसाइकिल पे बैठे, पीछे बिठा दिया कोई बात नहीं, उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। आज एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आपकी भी फोटो बिना मेरी मेरी उस समय की चल रही है जब मैं पिछली बार MLA बना, उससे पहले मैं मोटरसाइकिल पे भी घूमता था, और उस समय हमने यह हेलमेट का कानून आगे और पीछे वाले के रूरल में नहीं था। मैं की बार मंत्री बना उसके बाद में मैंने इस कानून को लागू किया, और उसके बाद में मैं सीट बेल्ट लगा के बैठता हूँ, हेलमेट लगाता हूँ। और मैंने ये इश्यू इसलिए उठाया कि अगर यूनुस खान कानून तोड़ता है तो यूनुस खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर मानसिंह जी तोड़ते हैं तो मानसिंह जी की भी होनी चाहिए। इसलिए आज 10,500 लोग दुर्घटनाओं में मरते, उन 10,500 लोगों में 80% युवा है, यानी 8,500 लोग युवा मरते हैं। उन 8,500 लोगों में भी 18 से 35 साल के 80% लोग हैं, और उनमें भी लगभग 6,000 से 7,000 ऐसे लोग हैं जो बिना हेलमेट के, मतलब जो है हेड इंजरी की वजह से डेथ होती है युवाओं की। तो मुख्यमंत्री स्तर का आदमी ये संदेश दे रहा है बिना हेलमेट चलो कोई बात नहीं, मुझे पीछे बिठा दिया। ये राहुल जी का, राहुल जी ने कंफर्म भी कर दिया, पीछे बिठा दिया, हमें उसमें ऐतराज नहीं भाई, उनका भाई पीछे बिठाए आगे बिठाए, क्या ऐतराज है, किसके पीछे बिठाए, उनका पार्टी का अंदरूनी मामला। लंबे समय से रास्ता से पहले समझौते में अभी रोडवेज की 72 करोड़ रुपए प्रति माह वेतन देते हैं, उनके पास उनका घाटा 50 करोड़ महीना है। और जब उन्होंने आंदोलन किया तो सरकार ने समझौता किया कि आपको आपको हम राज्य सरकार अपने बजट से वेतन देगी। ये पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है, और हमने 45 करोड़ रुपए प्रति माह दिए, जिससे उनका 1 तारीख को वेतन मिलने लगा, पेंशन मिलने लगी और रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने लगे। प्लस उन्होंने कहा हमें 500 बसें खरीदने के लिए पैसा था उसके लिए दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आपने राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया है, ये हमारी रोडवेज बस स्टैंड पे नहीं होगी, वो भी मैंने हमने विड्रॉ किया। हमने लोक परिवहन सेवा लागू करी, उसमें हमने 3,000 परमिट निर्धारित किए। उन्होंने कहा कि ये भी मत दो, वो भी हमने 1253 पर परमिट किया। और
उनको अब तक 1,006 करोड़ रुपए आर्थिक रूप से किसी ने राज्य सरकार ने सहायता दी, 45 करोड़ रुपए वेतन दे रहे। अब अगर रोडवेज सातवा वेतन देती है तो रोडवेज के पास 1 रुपया देने के लिए नहीं है और 22 करोड़ रुपए ये भार ऊपर जाएगी, 350 करोड़ का एरियर आ जाएगा तो रोडवेज तो बंद होने के कगार पर चली जाएगी। इसलिए हम उनको कह रहे हैं पहले रोडवेज की स्थिति ठीक होगी तो रोडवेज प्रबंधन इस पर विचार करेगा। अगर आप रोज हड़ताल करोगे तो रोडवेज फिर बंद हो जाएगी, जनता को तकलीफ नहीं हो, जनहित में उनको वापस काम पे लौटना चाहिए। मैं आपके सामने फिर कमिट कर रहा हूँ रोडवेज को बंद नहीं करेंगे, 45 करोड़ रुपये दे करके उनका वेतन, उनकी पेंशन, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट राज्य सरकार अपने मत से दे रही है, वो जो है हिंदुस्तान के इतिहास में पहला है। मैं फिर उनसे आग्रह करूँगा कि हमारी सकारात्मक रवैया है और अशोक जैन कमेटी बैठी हुई है, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है, उसकी रिपोर्ट आए जब तक उनको कोई भी हड़ताल और इनसे बचना चाहिए, इसलिए उनको वापस काम में लौटना चाहिए क्योंकि जनता को बहुत परेशानी हो रही है और जनता की गाड़ी कमाई का पैसा हम उनके वेतन में दे रहे जबकि वेतन में देने का प्रावधान कहीं नहीं है। वो कॉरपोरेशन है, वो कमर्शियल कॉरपोरेशन है, उसको भी दे रहे हैं, खुद कमाए अपना, वेतन देने की स्थिति नहीं है तो मतलब कमीशन पे कमीशन कहाँ से दे देंगे। और उसके बावजूद भी हमने उनको बोनस दिया जबकि घाटे में चल रहा है, उसके बावजूद में भी हमने एक्सक्रेसा पेमेंट किया, उसके बाद में भी हमने डीए दिया और ये सब राज्य सरकार ने अपने मत से दिया। इसलिए हमारा आग्रह है कि ये जिद नहीं करें, ये जिद का सवाल नहीं है और ये कांग्रेस के बहकावे में नहीं आए। कांग्रेस वाले जिस तरह से अटैक, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की कि भाई मैं एक अखबार देख रहा था उसमें मतलब मोटरसाइकिल का एक चित्र छपा था जिसमें आगे सचिन पायलट बैठे थे और पीछे जो है वो अशोक गहलोत बैठे थे। ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला हम नहीं करें, गहलोत जी को पीछे उन्होंने बिठाया है तो बिठाए। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि गहलोत जी दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं, सचिन पायलट दिल्ली में मंत्री रहे, वो कानून तोड़े नहीं, वो अगर उनको राहुल जी पिछली सीट पे बिठा रहे हैं हमें इस पर एतराज नहीं है, हमारा एतराज है वो पीछे बैठे लेकिन हेलमेट लगा के बैठे, पीछे बैठे उनके लेकिन हेलमेट लगा के बैठे, कानून नहीं तोड़े, ये हमारा एक बात करने। दूसरी बात, हमारा लक्ष्य अब की बार 10 की 10 सीटें यहाँ जीतने का है, 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे और जिस तरीके का विकास का काम करवाया माननीय मान सिंह जी ने, चाहे वो स्कूलों का काम हो, सड़क का काम हो, पीने का पानी का काम हो और नहर का पानी लेकर के आए, ये कोई छोटी बात घटना नहीं है। 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुए इस पीरियड में जब पानी आया है, तो ये हमारे लोकप्रिय मतलब जो है हमारे विधायक माननीय मान सिंह जी की प्रयास से जो कहाँ नोखा दियार कहाँ परबसर यहाँ तक पानी लेकर के आना, तीसरे फेज के टेंडर करवाना, वर्क ऑर्डर करा देना और काम शुरू करवा देना, ये इनकी लगन ही है। तो यात्रा का 2 दिन का समय क्या रहेगा मेहरता में? अभी देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी मेहरता आएंगी, बिरला जी के दर्शन करेंगी, वहाँ सभा करेंगी, फिर पूर्णोत्तर जाएंगी, पूर्व सांसद और हमारे अजय किले जी पिताजी की मूर्ति का अनावरण करेंगी, सभा करेंगी, उसके बाद में आपके प्रोफेसर आएंगे, प्रोफेसर से भाई रोड मतलब जो है मंगलाना में उनकी स्वागत होगा, फिर प्रजापति समाज का स्वागत होगा, फिर जो है विजय सिंह जी और पूरे पार्टी के कार्यकर्ता उस सर्किल पे स्वागत करेंगे, उसके बाद में कुमाऊत भवन में कुमाऊत समाज करेगा, उसके बाद में वो जो है कोठारी सदन में जाकर के रात्रि विश्राम करेंगी, दूसरे दिन सुबह उठ करके और अगले पड़ाव पे चले जाएंगे।